अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं, और उसका ये अपडेटेड न्यू एडिशन यानी 7th एडिशन मेरे पास है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर न्यू एडिशन के अंदर गलत दिया हुआ है। अगर आप इसका आंसर चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर गलत मैंशनड है। एक्चुअली ये अपडेटेड एडिशन है, तो उन्होंने क्वेश्चन तो चेंज कर दिया है, लेकिन आंसर जो है पुराने एडिशन का ही कोट कर दिया है। पुराने एडिशन के अंदर GST की वैल्यू 7% थी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इस एडिशन के अंदर GST की वैल्यू 17% उन्होंने कर दी है। तो उनको आंसर भी चेंज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आंसर पुराने एडिशन का 7% की वैल्यू के लिहाज से ही कोट कर दिया है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम इस वीडियो में जो आंसर कैलकुलेट करेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा, आप अपने बिहाफ पे उसको डिफरेंट सोर्सेज से वेरीफाई भी करवा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की। तो यहां पे लिखा हुआ है अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स कॉस्ट PKR 270 बिफोर GST। वो कह रहे हैं एक पैकेट है बिस्किट्स का जिसकी कीमत 270 रुपीज है, PKR का मतलब होता है पाकिस्तानी रुपीज, और वो बिफोर GST है, यानी GST उसके अंदर शामिल नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि GST कहते किसको हैं। तो GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें G का मतलब होता है गुड्स, S का मतलब होता है सर्विसेज, और T का मतलब होता है टैक्स। तो जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लोथिंग से रिलेटेड हो, तो आपको उस पर एक टैक्स पे करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सिर्फ गुड्स के ऊपर नहीं बल्कि सर्विसेज के ऊपर भी लगता है, यानी कोई सर्विस भी अगर आप परचेज करते हैं तब भी आपको ये टैक्स के तौर पर GST जो है पे करना पड़ता है। इस वाले टैक्स को कुछ कंट्रीज के अंदर वैल्यू एडिड टैक्स भी कहा जाता है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो ये GST मैंशनड है, इसका मतलब ये है कि ये जो पैकेट ऑफ बिस्किट्स हैं जिनकी आपको कीमत 270 रुपीज़ बताई है, इस पे ये GST ऐड अभी नहीं किया गया है, यानी ये बगैर है GST के। आपको जब भी कोई चीज खरीदनी पड़ती है, खरीदते हैं आप, तो उसमें GST शामिल हुआ होता है, वो उस प्रोडक्ट के पीछे लिखा भी होता है, मेंशन भी किया जाता है। तो उन्होंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया कि ये जो बिस्किट्स हैं, पैकेट ऑफ बिस्किट्स हैं, इनकी जो कीमत है 270 रुपीज, इसमें अभी GST शामिल नहीं है। ऑब्वियस बात है वो करना पड़ेगा, वो आगे भी क्वेश्चन में आएगा। तो आगे रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पे लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट GST इज एट 17%। वो कहले मान लेते हैं कि जो GST है ना, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो 17% है। 17% का क्या मतलब है, यानी आपको 17% निकालना पड़ेगा इस प्राइस का जितने के ये बिस्किट्स हैं। तो जितनी अमाउंट आपको आंसर में मिलेगी, उतने पैसे आपको और देने पड़ेंगे या उतने पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे इस बिस्किट्स को अगर आप परचेस करते हैं। यानी 270 रुपीज तो देने ही देने हैं, और इसका 17% जितना निकलेगा वो अमाउंट भी आपने इसमें शामिल करके देनी है, तभी आप ये बिस्किट्स जो है परचेस कर सकते हैं किसी भी शॉप से या किसी भी पर्सन से जिनके पास ये बिस्किट्स मौजूद हैं। आगे लिखा हुआ है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी SN हैज टू पे फॉर द पैकेट ऑफ बिस्किट्स। तो यही वो चीज़ आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं कितने पैसे देने पड़ेंगे किसी पर्सन SN को, अगर वो चाहता है ये बिस्किट्स को खरीदना, या अगर वो बिस्किट्स हासिल करना चाहता है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। एक चीज आप इधर ही समझ लें इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपने जब भी कोई चीज खरीदनी है उसके अंदर GST ऐड करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बिस्किट्स की कॉस्ट है, उस जो कि 270 रुपीज है, उसमें GST ऐड नहीं किया गया है। तो आप पहले इसका GST निकालेंगे, यानी 17% कितना बनता है इस प्राइस का वो निकालेंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो वही अमाउंट आएगी जो SN को देनी पड़ेगी इन पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स को खरीदने के लिए। यही वो क्वेश्चन है, और यही आपको स्टेटमेंट में सब कुछ बताया गया है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे इसके गिवन डाटा से। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे कि जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई थी। तो क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि ये पैकेट ऑफ बिस्किट्स हैं, इनकी कॉस्ट 270 रुपीज़ है विदाउट GST, इसमें GST शामिल नहीं है। तो यही हम मैंशन करेंगे कि कॉस्ट ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट्स विदाउट GST। इसमें मैंशन करेंगे कि ये जो कॉस्ट बताई गई है ये विदाउट GST है। तो यहाँ पर मैंशन करेंगे विदाउट
GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो कितनी है, वो है 270 रुपीज़। PKR का मतलब होता है पाकिस्तानी रुपीज, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 270 रुपीज़। आगे आपको देखिए क्वेश्चन में GST बता भी दिया गया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के लिहाज से बताया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना है, 17%, तो आप उसको यहाँ पे लिख देंगे GST परसेंटेज जो कि कितनी है, 17%। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी निकालना हो तो सबसे पहले आपको GST निकालना पड़ता है। अब आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि GST तो पहले से गिवन है, ये GST इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है, आपको एक्चुअल अमाउंट में, एक्चुअल अमाउंट इन रुपीज निकालनी है कि जितने पैसे आपको ज्यादा या और देने हैं 270 के अलावा एज अ टैक्स, एज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको एक अमाउंट हमेशा निकालनी पड़ेगी जिसका नाम हुआ करेगा GST पेएबल, यानी वो वाली अमाउंट जो कि आपने टैक्स के तौर पे देनी है किसी भी चीज़ को हासिल करते वक्त, किसी भी चीज़ को खरीदते वक्त। तो अगर चीज़ परसेंटेज में आपको GST गिवन हो तो आपने ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि ये कितने रुपीज़ के इक्वल होती है, तभी आप बता पाएंगे कि टोटल पैसे एसन ने कितने देने हैं इन पैकेट ऑफ बिस्किट्स को खरीदने के लिए। तो इसलिए हम सबसे पहले यही चीज़ निकालेंगे जिसको मैंने बताया आपको, GST पेएबल अमाउंट, इसको बोलते हैं वो अमाउंट जो एज अ टैक्स, एज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको पे करनी पड़ेगी इस बिस्किट्स के ऊपर। तो वो कितना है, वो है 17% है GST। तो ये 17% आपने हमेशा इस कॉस्ट प्राइस का निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 17% आपको निकालना पड़ेगा किसका, 270 रुपीज़ का, जितने के ये बिस्किट्स जो हैं, पैकेट ऑफ बिस्किट्स हैं, कॉस्ट करते हैं। अब किसी भी नंबर का 17% निकालना बहुत आसान होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100 पे डिवाइड कर दें, यानी 17 को और 270 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और किस पे डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब इनमें जो कैंसिलेशन होती है ऊपर नीचे कर दें, ये वाला जीरो इस जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ऊपर बच जाएगा जस्ट 17, नीचे बच जाएगा जस्ट 27 और साथ आपके पास आ जाएगा इधर 10, ठीक हो गया। अब इनमें देखें कोई और कैंसिलेशन नहीं होती, ना 17 और 10 में होती है ऊपर नीचे, ना 27 और 10 में होती है, तो जब ऐसा ना हो रहा हो तो फिर मतलब आगे कैंसिल आउट ना हो रहा हो तो ऊपर वाली चीज को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे चीज वैसे ही लिख दें, तो 17 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 459 और नीचे आपके पास आ जाएगा 10। अब आपने इसका आंसर डेसिमल में यहाँ पे कोट करना है, तो डेसिमल में बहुत इजीली इस फ्रैक्शन को लेके जाया जा सकता है। जब भी किसी फ्रैक्शन के नीचे 10 लिखा हो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आपने इस 10 को हटा देना होता है और ऊपर डेसिमल ऐसी जगह लगा देना होता है जहाँ पे एक डिजिट हो उस डेसिमल के आगे, और वो चीज़ आप इससे याद रखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है तो इस तरह याद रखें कि ऊपर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो हम 10 को हटा देंगे, इस नंबर को इस तरीके से लिखेंगे 459 और डेसिमल डालेंगे 5 के बाद, क्योंकि 5 के बाद अगर आप डेसिमल डालते हैं तो उसके आगे एक डिजिट आपको नजर आता है, तो यानी 459 को आप 10 पे डिवाइड भी करके देख सकते हैं, तब भी 45.9 ही आने वाला है। तो ये वो आपको अमाउंट मिल गई जो कि टैक्स के तौर पर आपको देनी पड़ेगी इन पैकेट ऑफ बिस्किट्स के ऊपर। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि GST पेएबल अमाउंट, ठीक है, GST पेएबल अमाउंट, ठीक है, ये ए है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी, तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कितने पैसे टोटल जो कि एसन को पे करने पड़ेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट एसन हैज टू पे, जो एसन को देने पड़ेंगे इन बिस्किट्स को लेने के लिए, देन एसन हैज टू पे, ठीक है। अब कितने एसएन को पे करने पड़ेंगे वो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो वो होगी आपकी पहली जो है उसकी कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ बिस्किट्स, यानी वो जो पैकेट थे बिस्किट्स के उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, वो उसमें ऐड कर दें ये GST टैक्स, यानी ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये वाली अमाउंट उसमें ऐड कर दें, तो इसको हम लिखेंगे GST पेएबल अमाउंट। जब भी आपने टोटल अमाउंट निकालनी है तो उसके अंदर टैक्स और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आपने जो है ना लिख के ऐड कर देनी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कॉस्ट कितनी थी पैकेट ऑफ बिस्किट्स की, वो थी ऊपर आपको पता है वो है 270 रुपीज़, यहाँ पे मेंशनड है, तो इसलिए आप इसके नीचे लिखेंगे 270 रुपीज़ इस तरीके से, और उसमें प्लस कर देंगे GST पेएबल अमाउंट, जितना टैक्स इस पे लगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो है 45.9, तो आप लिख देंगे 45.9। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने जस्ट ऐड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो 270 में जब आप 45.9 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑलमोस्ट 315.9। तो आप ये आंसर भी कोट कर सकते हैं, ठीक है, 315.9, और आप इसको ये भी कोट कर सकते हैं,
इन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, लाइक ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है नॉन जीरो डिजिट है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है ये भी नॉन जीरो डिजिट है, ये थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है नॉन जीरो डिजिट, तो इसका अगला डिजिट आप देखें वो नाइन है, तो जब भी फाइव या फाइव से बड़ा नंबर होता है तो लास्ट वाले डिजिट में हम वन ऐड कर देते हैं, तो इसको आप 316 PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज में भी ऐड जो है करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही इसके आंसर सही हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसका मतलब है SN को 315.9 या थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आप कह लें राउंड ऑफ करके तो 316 रुपीज देने पड़ेंगे इन बिस्किट्स को हासिल करने के लिए। अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखनी है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बुक में गलत दिया हुआ है। असल में ये क्वेश्चन प्रीवियस एडिशन से लिया गया है, प्रीवियस एडिशन में 17% की जगह पे 7% था, लेकिन इस बुक में 17% तो कर दिया गया यानी नई वैल्यू इंट्रोड्यूस करा दी गई, लेकिन आंसर पुराने ही एडिशन का दिया हुआ है। तो आप याद रखिएगा ये जो मैंने आंसर कोट किया ये बिल्कुल ठीक है।